पौरी विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों क्षेत्रीय विधायक और राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग सुरेश धाकड़ राठखेड़ा के द्वारा लगातार विकास कार्यों की झड़ी लगाई जा रही है और क्षेत्रवासियों को विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा ने 290 लाख रुपये की विकास कार्यों की सौगात दी है, जहां आईटीआई परिसर के पास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा मंडल अध्यक्ष आशुतोष जैमनी, एसडीएम राजन भी नाड़िया, बैराड़ भाजपा मंडल अध्यक्ष विक्की मंगल सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां राज्यमंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर पोहरी एसडीएम कार्यालय और कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय का भूमि पूजन भी किया। इस दौरान मंत्री ने क्षेत्र के विकास कार्यों में कमी नहीं आने की बात कही है। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना, तुम छापो ना इतना विकास हो, जितनी आप मांग रखते हो वो पूरी मांग पूरी करा के लाता हूँ। और पौरी विकास की चिंता ना करें, जिसके ऊपर आठ सेवर ज्योति का हो वहाँ पर काफी बल उठेगा। एस सिंधिया स्वराज सिंह की अधिक असल कृपा है तो पौरियों विकास की कमी नहीं। आप तो मेरे को मार्गदर्शन दो, मेरे को सलाह दो, कितना विकास चाहिए पौरी के लिए, जितनी जरूरत होगी मैं लाऊंगा। इसी महीने 34 आंगनबाड़ी भवन मंजूर करा के लाऊंगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रोड हैं तो पौरी विधानसभा में। सीएम राय स्कूल की बात कर लो तो आप देखिए पूरे प्रदेश में एक विधानसभा में एक, और यहाँ दो क्यों के एक महाराज के कोटे का और एक मुख्यमंत्री जी कोटे का। तो इतना लाल प्यार इस दोनों नेताओं के इसके पास है पौरी के पास, जितना प्रकाश चाहोगे मिलेगा। मैंने अभी ये घोषणा और की है कि पौरी में भी बाईपास बना के दूंगा, बेड़ारू में बाईपास बना के मैं आपको दूंगा, और बहुत करके मैं कल की कैबिनेट में इनको लाऊँगा और मार्च के बैठ में इसको स्वीकृत करा लूँगा। अप्रैल और मई के महीने में दोनों बाईपास बना के मैं आपको दे दूँगा।